सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। ते अज एक अक्तूबर दीआं कुझ मुख वड्डीआं खबरां लै के सूबा पंजाब अते देश भारत दा संबंधित तुहाडे लई हाजर हाँ। गल करांगे अज चोणवीं दीआं मुख वड्डीआं खबरां बारे। सो वधदे हां अज पहली खबर वल। पहली खबर आ रही है कि विशेष CBI अदालत ने बाबरी मस्जिद ढाण के मामले में भाजपा नेता लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह ते उमा भारती समेत 32 होर मुलाजमान बरी कर दिता है। विशेष जज ने कहा कि मस्जिद ढाण की योजना पहला नहीं बनाई गई सी। फैसले वेले कई मुलाजम हाजिर सन ते कई वीडियो कॉन्फ्रेंस राही मौजूद सन। 32 विचों 26 मुलाजम अदालत में मौजूद सन। अदालत ने कहा कि मुलाजमान खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हन। जज ने कहा कि मौजूद नामजद लोगों ने कार सेवकों नूं रोकण की कोशिश की। यह साबित करने लई इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले जो इस पिछे साबित कर सकन कि यह कोई साजिश है। तो अगली खबर है कि अनलॉक 5.0 के अधीन 15 अक्तूबर तो सिनेमा हॉल खुल जाएंगे। स्कूल कॉलेज खोलण वाले सूबे अपने अपने पद्धर ते लैणगे फैसले। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 दे लई दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सूबियां विच हर सूबे विच 15 अक्तूबर तो सिनेमा हॉल ते मल्टीप्लैक्स आदि खोलण की प्रवानगी दे दी गई है। 50% सीटां दे नाल स्कूलां नूं खोलिया जाएगा। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, मनोरंजन पार्क 15 अक्तूबर तो खुलणगे। खिडारियों लई सिखलाई लई स्विमिंग पूल खोले जाएंगे। अते सिर्फ 100 लोगों समाजिक, विद्यक, खेडक, मनोरंजक, सभ्याचारक, धार्मिक, राजनीतिक ते होर प्रोग्रामां विच हिस्सा लैण दी आग्या होवेगी। ते अगली खबर है कि खेती बिलां नूं लै के 1 अक्तूबर तो कारपोरेट कंपनियां दे पेट्रोल पंपां, शॉपिंग मॉल अते टोल प्लाजियां दा होवेगा घिराओ। वख वख किसान जथेबंदी की हुई मीटिंग में जिले दीआं 5 थावां ते कारपोरेट कंपनियां दे पेट्रोल पंपां ते शॉपिंग मॉलां दा घिराओ करन दी तैयारी। हुण खेती बिलां दे विरोध में काफ़ी वड्डे पद्धर उपर उभर चुकी है। किसानां, मजदूरां ते व्यापारियां दा रोह इस वेले सिखरां ते है अते उह पूंजीपतियां ते इन्हां दे शॉपिंग मॉलां ते हर तरहां दे जो भी इन्हां दे चल रहे ने उह सब नूं पूरी तरहां गो बैक करन दी तैयारी विच जुट चुके ने। ते अगली खबर है कि पंजाब पेंडू विभाग नूं 14वें वित्त कमीशन का 1539 करोड़ रुपए बकाया मिलिया। ये फंड मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे दखल नाल जारी किए गए हैं, जिन्हें निजी तौर पर 14वें वित्त कमीशन के बकाए जारी करने लई मामला केंद्र सरकार कोल उठाया सी। पंजाब सरकार वल्लों 1539 करोड़ रुपए की राशि नाल सूबे के पिंडां दी नुहार बदलेगी जो कि 14वें वित्त कमीशन बकाया फंडा राही जारी की गई है। तो ये रुपए वख-वख पंजाब दे पिंडां विच विकास कार्यों लिए खर्च किए जाएंगे। तो अगली खबर है कि खालसा एड के संस्थापक रवि सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। परिवार के होर मैंबर भी उन्होंने कई कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो उन्होंने ट्वीट में करके लिखा है कि प्यारे साथियों, पिछले बुधवार तो मैं काफ़ी तेज़ बुखार का शिकार हाँ। मैं कई दिनों तो टुटा हुआ महसूस कर रहा, तो अजिहा पहला कदे नहीं होया। मेरी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो अगली खबर है कि राहुल गांधी वालों पंजाब ट्रैक्टर रैली कढ़ने का प्रोग्राम ऐलाना गया। तो जल्द ही आने वाले दिनों में कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी पंजाब में किसानों से मिलकर ट्रैक्टर रैली केंद्र सरकार के बिलों के खिलाफ कढ़ेंगे। तो इस संबंधी दलजीत सिंह चीमा ने भी यह बयान जारी किया है कि जो रैली कढ़ी जा रही है प्रोग्राम एक घटिया पब्लिसिटी स्टंट है। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पंजाब में ट्रैक्टर पर बिठाना होर कुछ नहीं बल्कि फोटो सैशन का तरीका है जिसका मकसद किसानों मूर्ख बनाना है। इत्थे जिक्रयोग है कि जो पार्टी किसानों के हक में आती है तो दूजी विरोधी पार्टी उसके उपर लगातार तिखे निशाने बनती आ रही है। तो हाले भी किसानी बिलों को लेकर पंजाब राजनीति स्टंट जारी ने। किसान पार्टियां ते नाल किसान जथेबंदियों का सीधे रूप नाल कोई भी पार्टी साथ नहीं दे रही है। तो सब अपना अपना राजनीतिक दा खेलण की तैयारी में लगे हुए हैं। तो अगली खबर है कि 3 तख्तों तो शुरू होने वाले किसान मार्च 2 लाख लोग लैणगे भाग। श्रोमणी अकाली दल ने दिता बयान। श्रोमणी अकाली दल वालों अज तीन तख्तों तो कढ़े जा रहे किसान मार्च में 40,000 वाहनों में 2 लाख लोग भाग लैणगे। ये मार्च चंडीगढ़ पुजेगा जिथे अकाली दल की लीडरशिप हाल ही मते पास किए 3 खेतीबाड़ी एक्टर रद्द करने की मंग करता एक मंग पत्र भारत के राष्ट्रपति नाते पंजाब के राज्यपाल सौंपेगा। सो अगली खबर है बार, मैरिज पालस, होटल, रेस्टोरेंटा की सालाना लाइसेंस फीस मुआफ, खजाने पवेगा वाधू बोझ।
पिछले कुछ समय तो करोना के करके मैरिज पैलेस होटल रेस्टोरेंट जो बंद रहे तो उन्होंने लाइसेंस की फीस माफ़ करने के फैसले में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फैसला सुना दिता है। तो इन्हों की पिछले कुछ महीनों की फीस माफ़ कर दी गई है, जिस करके 1 अप्रैल तो लैके 30 सितंबर तक होटलों और रेस्टोरेंटा विचाले 1,065 बार्ज की सालाना लाइसेंस फीस 50% माफ़ किए जाने किसाना सॉरी खजाने के 1,355 लाख रुपए बोझ पवेगा, जो कि 2020-21 अनुपात मालीए का अद्ध है। तो अगली खबर है, भारत को मिली एक होर कामयाबी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिजाइल का सफल परीक्षण बुधवार को DRDO ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिजाइल का एक्सटेंडेड वर्जन का सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है, जिस तों बाद रक्षा मंत्री राजनाथ ने इसनों स्वैन निर्भर भारत वाल एक बड़ा कदम दसिया है। दस दईए कि यह मिजाइल बुधवार को उड़ीसा के बालासोर में सफलतापूर्वक टेस्ट हो चुका है। यह मिजाइल 400 किलोमीटर तक मार करने के समर्थ है। सो अगली खबर है कि खेती कानूनों के खिलाफ किसानों ने उलीकी अगली रणनीति, बड़े अंदोलन तैयारियां शुरू। 1 अक्तूबर तो अणमिथे समय लिए शुरू किए जाने वाले धरने प्रदर्शनों की तैयारियां मुकम्मल कर लिया गई हैं। किसानों का रोस है कि देश लोकतंत्र खत्म हो रहा है, कानून थोपे जा रहे हैं, जिस करके किसानों वालों कल तो रेल से चक्का जाम किया जाएगा। तो अगली खबर है, कौमांतरी उड़ाना शुरू होने लिए करना पवेगा होर इंतजार, अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ाना हजे शुरू होने से लगी पाबंदी। पिछले कई महीनों तो जिथे उड़ाणा बंद हैं तो उत्थे हुण अंतरराष्ट्रीय उड़ाणा आने वाली 31 अक्तूबर तक बंद रहनगियां, जिसका सरकार ने नवा शड्यूल जारी कर दिता गया है। इस तो पहला 30 सितंबर तक अंतरराष्ट्रीय उड़ाणा ते पाबंदी लगाई गई सी, तो हुण इस दे विच 1 महीने का होर इजाफा कर दिता गया है। तो अगली खबर है कि मैट्रिक पद्धर से वाधू विषय पंजाबी की परीक्षा 29 अक्तूबर तो पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों सैशन 2020-21 की तीजी तिमाही मैट्रिक पद्धर से पंजाबी विषय की परीक्षा लैण लई शड्यूल जारी कर दिता गया है। बोर्ड के बुलारे वालों दी जानकारी अनुसार 2020-21 की तीजी तिमाही लई जाने वाली पंजाबी वाधू विषय की परीक्षा दीआं मितियां निर्धारित कर दित्तियां गईआं, जो कि 29 अक्तूबर तो हन। तो अगली खबर है, किसान अंदोलन च राहुल गांधी की एंट्री, 3 दिनों तक पंजाब च कढ़णगे ट्रैक्टर रैलियां। इसकी शुरुआत 2 अक्तूबर तो मोगा तो की जाएगी, तो इस तो बाद 3 अक्तूबर संगरूर और 4 अक्तूबर पटियाला ट्रैक्टर रैली करके इसकी समाप्ति करेंगे। तो अगली खबर है कि पंजाब भाजपा वालों किसानों नाल गलबात करने लिए 8 मैंबरी कमेटी गठित। सूबा भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा ने किसानों नाल किसान संगठनों नाल गलबात करने लिए उन्होंने विषय में जानने लिए अपने विचार पेश करने लिए 8 मैंबरी कमेटी बनाई है। इस कमेटी के चेयरमैन वजों सबका मंत्री सुरजीत सजियाणी ते उन्होंने सबका जनरल सकत्तर राष्ट्रीय किसान मोर्चा हरजीत सिंह गरेवाल ते होर कई नाल उन्होंने शामिल होंगे। तो अगली खबर आ रही है कि अमरीकी नागरिकता पाउण दे चाहवान लोगों लिए एक चंगी खबर है। जानकारी मुताबक अमरीका विच संघी जज ने अमरीकी नागरिक ते होर इमीग्रेशन सहूलतों के लिए दिते जाने वाले भारी फीस के वाधे ते रोक लगा दी गई है। औसत 20% वाधे दे 3 दिन बाद लागू होना सी, पर अजिहा हुण टाल दिता गया है। सो ये सन अज दीआं कुछ मुख्य वड्डियां खबरां, बाकी आने वाले समय की खबरों की जानकारी फिर तुहाडे लई लैके हाज़र हो जावांगे। सो चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लिओ। धन्यवाद जी।